फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल रहेगा that is the output devices. Output devices, आज हम बहुत करेंगे, बहुत करेंगे, अच्छे से। तो आप आज के लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत नेसेसरी होंगे तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं जैसा कि मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ आउटपुट पहले आउटपुट क्या है आउटपुट वो है जो हमें कंप्यूटर देगा या आउटपुट कुछ भी हो सकता है मीनिंगफुल भी हो सकता है मीनिंग के बिना भी हो सकता है मीनिंगलेस भी करेक्टर पिक्चर नंबर इमेज कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है या स्पीकर से किसी भी डिवाइस से वो हमारा हो गया आउटपुट अब आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस वो मशीन या वो डिवाइस है जो हमें यही इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है ठीक है Info, जो आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है ये डिवाइस बहुत सारे होते हैं मोनीटर हो गया प्रिंटर स्पीकर कुछ भी तो ये सारे डिवाइसेस हम अलग अलग डिस्कस करेंगे पहला आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मोनीटर क्या है इसको डीपली डिस्कस करते हैं मोनीटर इनपुट भी एक्ट करता है और आउटपुट भी मोनीटर को हम डिस्प्ले स्क्रीन भी बोलते हैं फर्क क्या है मोनीटर का मतलब होता है पूरा बॉक्स इंटायर बॉक्स लेकिन डिस्प्ले स्क्रीन का मतलब होता है सिर्फ खाली स्क्रीन पूरा बॉक्स बिल्कुल भी नहीं अब मोनीटर ऐसा भी है कि मोनीटर जो है ये बोथ एक्ट करता है इनपुट एंड आउटपुट ये एग्जाम में आ सकता है क्लासिफिकेशन दो तरह की क्लासिफिकेशन है कलर के बेस पे और सिग्नल के बेस पे अब देखेंगे कलर के बेस पे कितने टाइप के मोनिटर्स हैं ठीक है तो तीन टाइप के मोनिटर्स हैं जो हम कलर के बेस पे देखते हैं इसको हम डीपली डिस्कस करते हैं आप इन चीजों को पेंट डाउन कीजिएगा पहला मोनोक्रोम मोनिटर मोनो का मतलब सिंगल मोनोक्रोम मोनीटर जो है ये दो कलर्स को डिस्प्ले करता है एक बैकग्राउंड के लिए दूसरा जो है हमारा फॉरग्राउंड के लिए ठीक है अब कलर्ड वाले में इसमें क्या क्या आता है कौन कौन से कलर्स इंक्लूड होते हैं जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ग्रीन एंड ब्लैक हो गया एम्बर एंड ब्लैक हो गया सेकेंड टाइप हो गया हमारा ग्रे स्केल कंप्यूटर ये एक स्पेशल टाइप का मोनोक्रोम कंप्यूटर है जिसमें डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे रिप्रेजेंट होते हैं सिर्फ ग्रे के बहुत सारे शेड्स होते हैं रिप्रेजेंट लेकिन बाकी कलर्स नहीं ओनली ग्रे के इसको एग्जाम्पल मैं बताऊंगी आप इजिली uh, अंडरस्टैंड कर पाएंगे थर्ड थोर, थर्ड वाला जो आता है दैट इज़ आर बी आर बी जी जो है ये कलर मोनीटर है ये लगभग 16 से लेके 1 मिलियन डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट करता है आर का मतलब क्या होता है रेड right, बी का मतलब ब्लू ग्रीन का मतलब जी का मतलब ग्रीन तभी इसको आर बी जी बोलते हैं सिग्नल्स तीन तरह की एक्सेप्ट करता है दैट इज ब्लू ग्रीन एंड रेड ये सॉरी uh, यहाँ पे एरर हो गया है दैट इज द रेड ये तीन सिग्नल्स एग्जांपल ईजीए वीजीए एसवीजीए ये एग्जांपल्स है हमारे आरबीजी की अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल अब सिग्नल के बेस पे कंप्यूटर कितने टाइप के दैट इज मॉनिटर दो टाइप के मॉनिटर्स हैं एनालॉग मॉनिटर एंड डिजिटल मॉनिटर एंड डिजिटल, एनालॉग लॉग मोनीटर जो है ये टी में यूज़ होता है ज़्यादातर मोनीटर जो भी सी आर टी टेक्नोलॉजी के बेस्ड होते हैं सब एनालॉग होते हैं लेकिन हर चीज़ में एक्सेप्शन आर देयर, तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है ये एनालॉग मोनीटर है लेकिन ये इसमें एक एक्सेप्शन है देन देर इज़ द डिजीटल मोनीटर डिजिटल वो मोनीटर होता है जो एक्सेप्ट करता है डिजिटल सिग्नल ठीक है अब ये देखिए पहला ये हमारा जो है दिस इज द मोनोक्रोम इसमें ओनली ब्लैक एंड वाइट रिप्रेजेंट होता है ओनली टू कलर्स ये सेकंड देखिए ग्रे स्केल इसमें मैंने बोला डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे देखिए स्कैन किया गया है हेड का तो ये देखिए ग्रे के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं इसी के शेड्स ग्रे ग्रे के एंड ये जो है आर बी टी देखिए यहाँ पे ब्लू है ब्लैक है एंड यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं कंबाइन करके इन तीन कलर्स को तो ये था हमारा कंप्यूटर मोनीटर आप देखते हैं प्रिंटर्स को इसकी टाइप्स को और अच्छे से डिस्कस करते हैं पहले ही प्रिंटर होता क्या है प्रिंटर वो आउटपुट डिवाइस है जो हमारा आ, कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट करता है पेपर पे हमें हार्ड कॉपी मिल जाती है अब इसकी टाइप्स कितनी हैं तो इसको डिस्कस करते हैं आपके एग्जाम में आ सकता है हर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा पहला आ गया डेजी व्हील प्रिंटर ओके ये है लेटर टाइप क्वालिटी अब ये लेटर टाइप क्वालिटी का मतलब क्या है इसको हम अच्छी तरह से देखते हैं ये यूज़ करता है व्हील और ड्रम किसके लिए प्रिंटिंग अब इसको अच्छे से समझते हैं ये होता क्या है ठीक है तो एक्चुअली जो ढेसी व्हील प्रिंटर है ये देखिए आप इसकी एग्जांपल इसमें क्या होता है इसमें एक डेस्नी व्हील होती है जो बनी होती है प्लास्टिक की या तो मेटल से या तो प्लास्टिक से या मेटल से अब प्रिंट करने के लिए प्रिंटर जो है वो क्या करता है प्रिंटर जो है वो डिस्क को रोटेट करता है तब तक रोटेट करता है जब तक ना उसे वो लेटर मिल जाए जो उसे प्रिंट करना है फॉर एग्जाम्पल बी या सी जैसे द टी एच ई तो वो रोटेट करेगा पहले टी ढूंढने के लिए जब उसको वो लेटर मिल जाएगा उसके बाद में हैमर है हैमर से क्या हो जाएगा ये डिस्क को स्ट्राइक करेगा और ये करेक्टर प्रिंट जाके किस पे हो जाएगा पेपर पे टी सेम इसी तरह आप चाहिए हमें टी एच एच को फिर से रोटेट करेगा जब तक इसको वो डिजाइड करेक्टर मिलेगा और उसको प्रिंट करेगा एंड ई e. फिर से इसको ई e मिला अब ई e को ढूंढेगा और उसको फिर से स्ट्राई करेगा हैमर से और प्रिंट पेपर पे. जस्ट अगर इजली अंडरस्टैंड करनी है इसकी वर्किंग तो सेम आप देखिए सील जो हम सील डालते हैं तो हम पहले सील को देखते हैं कौन सा अपराइट पोजिशन देखते हैं ठीक कौन सा टाइप है तो फिर पेपर पे हम चिपकाते हैं सेम उसकी तरह अब ये ग्राफिक्स तो डिस्प्ले नहीं कर पाएगा क्योंकि इमेज वगैरह तो इसमें है नहीं नॉइज़ बहुत ज़्यादा मचाता है अब स्लो भी बहुत है करेक्टर्स एक एक करके देखने हैं तो स्लो ऑब्वियसली होगा तो प्रिंट कितने करेक्टर्स करेगा पर सेकेंड ये दस से टेन टू सेवेंटी फाइव करेक्टर्स एक सेकेंड में क्या करता है प्रिंट करता है ये काफ़ी स्लो होता है उतना ज़्यादा भी नहीं हम ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं ये देखिए हमारा प्रिंटर का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू तो अनदर टाइप का प्रिंटर दैट इज़ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ओके तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है ये कैरेक्टर्स को क्रिएट करता है इसमें कुछ पिनस होती हैं पिनस को स्ट्राइक करता है इंक रिबन से रिबन की इंक होती है उससे ठीक है तो ये देखिए ये इसका ये है ये एक्चुअली डॉट मैट्रिक्स को क्यों बोला जाता है क्योंकि हर पिन जो है वो डॉट बनाती है और फिर यही डॉट्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है करेक्टर्स मतलब हर एक पिन इसमें बहुत सारी पिनस लगी हैं हर पिन से एक 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 एक, एक डॉट बन गया और इन्हीं डॉट्स को जब हमने कंबाइन किया तो क्या बन गया? गया वहाँ पे एक करेक्टर सेम इसी तरह काम करता है कुछ और चीज़ें इनएक्सपेंसिव है थोड़ा सा उससे तो फास्ट है लेकिन हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता है फास्ट तो होगा एज कम्पेयर टू तो पहला वाला मैट्रिक्स अब सेकंड अब हम बात करेंगे अगर इसकी स्पीड की क्या इसकी स्पीड कितनी है वो मेजर की जाती है करेक्टर्स पर सेकेंड से और कितने करेक्टर्स पर सेकेंड ये करता है दैट इज फिफ्टी टू फाइव करेक्टर्स पर सेकेंड सी पी एस डैट मीनस करेक्टर्स पर सेकेंड अब क्वालिटी की बात करेंगे कि इसकी प्रिंट क्वालिटी कैसी है वो डिटरमाइन होती है नंबर ऑफ़ पिन से कि कितनी पिन हम यूज़ कर रहे हैं वो होती है नाइन से ट्वेंटी फोर अब हाई क्वालिटी का ट्वेंटी फोर पिन वाला होगा एंड लो का नाइन नॉइज़ ये भी बहुत ज़्यादा शोर करता है बहुत ज़्यादा नॉइज़ है नॉइजी है अनर ये हमारे पास अगर कार्बन कॉपीज़ प्रोड्यूस करनी है हमें एक पेपर की बहुत सारी फॉर्म्स तो उसके लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काफ़ी अच्छा है थर्ड तरह का प्रिंटर हमारे पास आता है इंक जेट प्रिंटर ठीक है इंक जेट प्रिंटर जो है ये काम कैसे करता है इसके पास आयोनाइज्ड इंक होती है उसको ये स्प्रे करता है पेपर के शीट पे और इसी तरह से प्रिंट होता जाता है सेम जो प्रिंटर्स हम आज यूज करते हैं रिजोल्यूशन की बात करेंगे तो ये थ्री हंड्रेड डॉट्स पर इंच डालता है पोर्टेबल प्रिंटर है मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेना आसान है अब सेकेंड ये अगर हमने कलर्ड इंक जेट प्रिंटर यूज़ किया है तो डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कलर है आप आराम से कलर्ड पिक्चर्स भी प्रिंट कर सकते हो ये है हमारा इंक जेट ये देखिए ये ऐसा लगता है हमारा इंक जेट प्रिंटर ऐसे इमेज कोई भी आप कर सकते हो प्रिंट अब अनदर टाइप ऑफ प्रिंटर इज लेज़र प्रिंटर अब देखते हैं लेज़र प्रिंटर इसको हम पेज प्रिंटर भी बोलते हैं ठीक है थीके? ठीक है अब देखते हैं इसकी थोड़ी वर्किंग इसमें क्या होता है ये यूज करता है लेजर बीम जिससे क्या होता है ड्रम पे इमेज बन जाती है फिर यही जो लेजर की लाइट है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है इससे क्या हुआ ये जाके हिट करेगी यही चार्ज किसको ड्रम पे ड्रम रोल हो गया रोल होता है तो उसके बाद पास हो जाएगा कहाँ से रिजर्वर ऑफ ट्यूनर से, इसमें ट्यूनर्स लगे होते हैं फिर यही ट्यूनर ट्रांसफर करते हैं ये सारी इमेज जो भी है पेपर पे लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ हीट और प्रेशर जब आपस में मिलता है तो फिर यही ट्यूनर अपने पेपर पे प्रिंट करता है जो चीज भी हमें प्रिंट करनी हो तो ये है हमारी वर्किंग किसकी हमारे लेजर प्रिंटर की मतलब इजी वे में अगर बोला जाए तो ये लाइट बीम का यूज करता है और इसमें क्या यूज होता है ड्रम का यूज होता है एंड रिजर्वर ऑफ ट्यूनर से और इसके बाद हमारे हमें आसानी से अपने पेपर पे जो भी चीज़ प्रिंट करनी हो मिल जाएगी लेकिन इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं इसमें कॉम्बिनेशन किस किस की होनी चाहिए इम्पोर्टेंट हीट और प्रेशर की हीट और प्रेशर ही जब आपस में मिलेंगे तभी इस ट्यूनर पे जो भी चार्ज है वो पेपर पे चला जाएगा ठीक है लेजर प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं पेज प्रिंटर भी बोलते हैं अब सेकेंड कोई प्रिंटर हमारा ऐसा है जो एरे ऑफ एल यूज करता है इसी ड्रम को एक्सपोज करने के लिए कुछ ऐसे भी हैं जो एल नहीं बल्कि एल यूज करते हैं ये डिपेंड करता है अब रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो थ्री हंड्रेड डी पी आई का मतलब अब मोनोक्रोम लेजर दो टाइप के हो सकते हैं मोनोक्रोम लेजर अगर हम बात करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ट्यून होगा सिंगल ट्यूनर अगर कलर्ड लेजर की बात करेंगे तो इसमें चार ट्यूनर होंगे ये था आपका लेजर प्रिंटर अब देखते हैं डब्ल्यू डी एंड एलईडी प्रिंटर printer, क्या प्रिंटर्स हैं ये भी सिमिलर है जैसे लेजर प्रिंटर है ना सेम उसी तरह हमारा डब्ल्यू और एलईडी प्रिंटर काम करता है देखो ये है इसकी इमेज सेम उसी तरह है बट लिटिल बिट थोड़ी सी डिफरेंसेस है अब देखते हैं ये डिफरेंस क्या अगर सेम है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए डिफरेंस ये है कि ये, ये यूज़ करता है लिक्विड क्रिस्टल या लाइट डायोड किसको इमेज को ड्रम पे प्रोड्यूस करने के लिए वहां पे क्या यूज़ किया था उसने वहां पे तो लाइट बीम की थी यहाँ क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल यूज करता है अब लाइन प्रिंटर्स इसके बारे में देखते हैं ये हाई स्पीड प्रिंटर्स होते हैं अब ये क्या करते हैं इसको लाइन प्रिंटर तभी बोलते हैं कि ये पूरी लाइन एक ही टाइम पे प्रिंट करते हैं अब बात करेंगे थ्री थाउजेंड लाइन्स पर मिनट ये करता है प्रिंट सेकंड ग्राफिक्स की बात करेंगे तो ये ग्राफिक्स बिल्कुल भी प्रिंट नहीं कर पाता है

इसमें कुछ पिंस होती हैं जो इलेक्ट्रिकली हीटेड होती हैं उसको ये पुश करता है किस पे पेपर पे वो पेपर भी क्या होता है स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर और जैसे ही इस पे पुश की जाती हैं इलेक्ट्रिकली हीटेड पिंस तो फटाफट से क्या बन जाता है वहां पे हमारे पास पेपर पे प्रिंट हो जाता है यूज ज्यादातर कैलकुलेटर्स में होता है और फैक्स मशीन में अब कैलकुलेटर्स तो आप जानते हो ये हमारी फैक्स मशीन वहां से कोई भी चीज आ रही है तो यहाँ से हम आउटपुट हमें मिल सकता है कहीं पे भी कोई भी डिस्टेंस है अब इसमें एक डिमिनेट है कि पेपर थोड़ा करल हो जाता है और फेड हो जाता है चाहे दो वीक्स या कुछ मंथ्स के बाद अनदर आउटपुट डिवाइस जो हमारा है दैट इज कॉल्ड एज द प्लॉटर अब देखते हैं प्लॉटर क्या होता है प्लॉटर हमें यूज़ होता है पिक्चर्स को ड्रा करने में पेपर पे अगर पिक्चर्स ड्रा करनी है तो उसके लिए कौन यूज़ होता है प्लॉटर डिफरेंस क्या है प्लॉटर और प्रिंटर में डिफरेंस ये है कि प्लॉटर जो है ये ड्रा करता है लाइंस किसके यूज़ क्या करता है पेन यहाँ कॉन्टीन्यू लाइन्स होती हैं डॉट्स नहीं अगर प्रिंटर में देखेंगे वहां डॉट्स होते हैं ज़्यादातर ये यूज़ कहाँ होता है इंजीनियरिंग पर्पज में दैट इज इंजीनियर्स यूज़ करते हैं यह है हमारा प्लॉटर ये कैसा लगता है यह है इसकी फिगर लास्ट आपका जो आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ द साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स साउंड कार्ड जो है ये क्या करता है ये कंप्यूटर को इनेबल करता है ताकि जो आउटपुट साउंड है उसको ये दे पाए ठीक है साउंड कार्ड्स की वजह से अब सेकंड क्या है कि आउटपुट जो ये साउंड प्रोड्यूस की वो आउट देगा हमें कौन वो देता है आउटपुट डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्पीकर और ये एम आई डी आई को सपोर्ट करता है ये है हमारा स्पीकर एंड दिस इज़ आवर साउंड कार्ड तो ये आज का सेशन था एंड इट इज़ कम्पलीटेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आप चैनल पर ना आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए